ओपन चेन ऑन इनका कंपाउंड ओपन चेन का काम होते हैं ओपन चेन कंपाउंड का इसका नाम है एलिफेंट क्रिया ए साइक्लिक दूसरा क्या होता है दोनों चेन का कंपाउंड में साइक्लिक का कंपाउंड दूसरा साइक्लिक का कंपाउंड हो सकता है साइक्लिक का बाइंडिंग में क्या अंतर है साइकिल का मतलब अभी तुमने जो ये देखा था ये साइकिल है लेकिन अभी तुम अगर कुछ इस तरह की चीज देखते हो जिसमें तुम कर रहे हो जैसे एक चीज देने को मिलती है इसमें अल्टरनेट पोजीशन में मल्टीपल बॉन्ड आते हैं हम क्या कहते हैं रिंग तो समझ में आया साइकिल और रिंग में क्या अंतर है चलो अब हम इसके आगे की बात किससे करने जा रहे हैं तो हमने एलिफैटिक का कंपाउंड देखी हुई है तो एलिफैटिक में जैसे एक एग्जांपल देखो यहां पर क्या है यहां पर जो चेन है वो कंटीन्यूअस है सिंपल चेन है लेकिन यहां पर हमको ब्रांचिंग देखने को मिलेगा क्या देखने को मिलेगा ब्रांचिंग तो ये क्या है इसका कॉमन नाम है कॉमन नेम है आइसोसुलेन लेकिन जब हम इसे एलिसिस में करते हैं तो हमें टू मेथड है प्रोपेन क्या देखने को मिलेगा प्रोपेन तो यहां पर ये क्या है जो जो भी साइड चेन होगी वो किसी से ना काम करेगी फिर फिक्स करता है इसके साथ फिक्स करता है अभी यहाँ पर की बात क्यों हुई है और इस बार सब समझिए चलिए जो अभी तक हम ओपन चेन और क्लोज चेन के बारे में पढ़ रहे थे एलिफैटिक के बारे में के बारे में पढ़ रहे थे सबसे थोड़ा सा पहले छोटे से चीज पर पढ़े दैट इज द टाइप ऑफ कार्बन एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी कार्बन की किसकी बात करेंगे प्राइमरी कार्बन की तो देखो और दूसरा से क्या है प्राइमरी हाइड्रोजन हाइड्रोजन का टाइप ऑफ कार्बन से सबसे जल्दी वाले अब देखिए यहां पर क्या है कि ये ठीक है कौन सा कार्बन है और प्रभावित प्राइमरी हाइड्रोजन जो देखो प्राइमरी कार्बन पर लगी हुई हाइड्रोजन क्या होगी तो कहेंगे सर प्राइमरी हाइड्रोजन अब एक बात से समझ आती है अब बात आती है कि डिग्री ऑफ कार्बन कैसे कैसे हो रहा है तो कहते हैं सर डिग्री ऑफ कार्बन एक पॉइंट इस तरह बना देते हो डिग्री है ना प्राइमरी से सेकेंडरी का रेशियो डिग्री ऑफ कार्बन इज डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ कार्बन कार्बन एक ही कार्बन का बॉन्ड बना तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी तो कहेंगे 180
अब सबसे आता है ये कि सावन से ये बताइए कार्बन हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन संबंध में तो इसकी स्थिति क्या होगी आंसर डिग्री प्राइमरी ही होगी दो कार्बन के बीच में एक ही बॉन्ड बन के चल गया क्या चाहे चाहे सिंगल मान लो डबल मान लो ट्रिपल मान लो तो हाल ही में लेकिन दो के बीच में एक ही काउंट होगा यहाँ पर देखिए बच्चों एक बात की हुई है यहाँ पर एक बात की हुई है सेकेंडरी कार्बन के बारे में टर्शियरी कार्बन के बारे में और टर्शियरी कार्बन के बारे में ये कार्बन का मतलब है दो डिफरेंट कार्बन से सेकेंडरी कार्बन और इसके अलग-अलग हाइड्रोजन सेकेंडरी हाइड्रोजन ठीक है तो कार्बन से बॉन्ड बनाने के लिए कौन सा कार्बन है ना ये हो गया 4 डिग्री ओके ओके सर ना ना नोट कर लीजिए ठीक है इसके अगर टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे ठीक है थैंक यू